अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फन आज हम मैथमेटिकॉरफन अजम्ड काउ एडिशन चैप्टर नंबर टेन लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज टेन डी फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास है यूज़ द सब्स्टिट्यूशन मैथड टू सॉल्व द फॉलोइंग सिमटेनियस लीनियर इक्वेशन यानी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व क्वेश्चन नंबर वन को हम लोगों ने सॉल्व किया था एलिमिनेशन मेथड के जरिए क्वेश्चन नंबर टू को हम लोगों ने सॉल्व करना है सिमटेनियस सॉरी सबस्ट्यूशन मेथड के ज़रिए ठीक हो है चुके हैं यानी ये हम हमारे पास क्या कर रहे हैं हमने इसमें भी सेम एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड करने से चले स्टार्ट करते हैं क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो हमें समझ नहीं आ सकती सो चले स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ स्टेप्स सेम वही होंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में किए थे जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास थे तो उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर टू में भी हमारे स्टेप्स सेम होंगे हम पहले थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन हम इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू टू हम इसे इक्वेशन टू का नाम दे देंगे ठीक है जो क्या यानी ये हमारी इक्वेशन वन है ये हमारी क्या इक्वेशन टू है सो so, हम इक्वेशन टू को पहले लेंगे जैसे कि हमारा जो फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड था उसमें हम लोग इक्वेशन वन को ले रहे थे अब हम क्या करेंगे इक्वेशन टू को लेंगे हम इक्वेशन टू की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो चलिए इक्वेशन टू हमारे पास क्या है इक्वेशन टू हमारे पास है एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू टू एलिमिनेशन मेथड में हम क्या कर रहे थे हम x की पहले वैल्यू निकाल रहे थे ना तो अभी हम सब्टिट्यूशन मेथड में हम y की वैल्यू निकालेंगे अब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी हम यहीं से y की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जैसा कि y को हम यहाँ पर छोड़ देंगे एंड y के साथ क्या है x प्लस हो रहा है तो इधर आकर माइनस एक्स हो जाएगा अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है तो हमने क्या करना है इस माइनस को हटाना है इस माइनस को इस तरीके से हटाएंगे कि जब हम क्या करेंगे दोनों साइडों को माइनस के साथ डिवाइड कर देंगे या यहाँ से माइनस हटा कर इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर देखें वाई यहाँ पर आ जाएगा टू माइनस एक्स सो ये यहाँ पर हम क्या ले आएंगे माइनस का साइन यहाँ पर आ जाएगा जब यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस टू प्लस एक्स सो वाई इज इक्वल टू हम इसको राइट कर देंगे एक्स माइनस टू ताकि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की एक फॉर्म आ जाए ठीक है चुके मैं आपको एक बार फिर इसको रिपीट कर देती हूँ इक्वेशन टू को हमने लिए इक्वेशन टू को हमने इसलिए लिया ताकि हम आसानी से क्या कर सकें वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकें हमने क्या करना है वाई की वैल्यू को फाइंड करना था तो हमने वाई को यहाँ पर छोड़ दिया वाई के साथ जो भी नंबर थे हमने उसको इक्वल किए दूसरी तरफ ले गए थे इस टाइम पर वाई के साथ सिर्फ और सिर्फ एक्स था प्लस एक्स था जब प्लस एक्स मूव हुआ है तो वो हो चुका है माइनस एक्स यानी इक्वेशन हमारी बन चुकी है माइनस वाई इज़ इक्ल तो टू टू माइनस एक्स हमें तो सिर्फ और सिर्फ वाई चाहिए नॉट अ माइनस वाई तो हम क्या करेंगे माइनस के साइन को मूव करेंगे सॉरी माइनस है ना तो हम क्या करेंगे माइनस के साइन को दोनों साइड पर माइनस के साथ डिवाइड कर देंगे ठीक हो चुका है जब माइनस के साथ डिवाइड करेंगे जैसे मैं आपको यहाँ पर रफ फर्क में बता देती हूँ जैसे कि माइनस वाई इज इक्वल टू टू माइनस एक्स हमने क्या किया है माइनस वन के साथ दोनों को डिवाइड कर दिया जब डिवाइड हो चुका है तो क्या हो चुका है यहाँ से देखें माइनस एंड माइनस कट गए तो ये हो चुका है वाई इज टू माइनस टू माइनस एक्स तो इसी तरीके से ये स्टेप हमने फिर यहाँ पर रफ फर्क में किया मैंने ये इस स्टेप के बाद डायरेक्ट ये वाला स्टेप किया है लेकिन मैंने रफ फर्क में आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है ठीक हो चुके तब जाकर हमारे पास ये माइनस का साइन आया है माइनस का साइन जब आ चुका है तो फिर हमारी ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं तो हो चुका है माइनस टू प्लस एक्स हम लोगों ने एक्स माइनस टू कर दिया अब ये हमारे पास क्या आ चुकी है वाई यानी वाई किसकी इक्वल हो चुका है एक्स माइनस टू के सो चले हम इसको उस कलर बॉक्स में राइट कर देते हैं ठीक हो चुका है अब हम क्या करेंगे अब हम ये जो y की वैल्यू जो हम लोगों ने फाइंड किया है ख़ुद से हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे सो so, हम यहाँ पर राइट करेंगे सब्सिट्यूटिंग इक्वेशन वन में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे सो so, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम राइट करेंगे कि असल में हमारे पास इक्वेशन वन क्या है इक्वेशन वन हमारे पास है थ्री एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन तो यहाँ पर देखिए थ्री एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने क्या निकाली थी एक्स माइनस वाई तो अब हम y की जगह पर क्या राइट करेंगे x माइन सॉरी एक्स माइनस टू वाई की वैल्यू तो अब हम सॉरी सॉरी y की वैल्यू हमारे पास है x माइनस टू तो अब हम y की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है एक्स माइनस टू सो हम x माइनस टू राइट करेंगे ए इज इक्वल टू टेन ठीक हो चौके अभी यहाँ पर देखें थ्री एक्स प्लस एक्स करेंगे तो आ जाएगा फोर एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टेन अभी यहाँ पर देखें फोर एक्स के साथ क्या हो जाएगा टू यू माइनस टू है मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टू सो फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए तो दोनों साइडों को फोर के साथ डिवाइड कर देंगे ये देखें कट गए फोर फोर के साथ अभी यहाँ पर भी फोर के साथ ही कटेंगे क्योंकि फोर वन जर फोर एंड फोर ही के टेबल में ट्वेल्व आता है थ्री के साथ इट्स मीन एक्स हमारे पास क्या आ चुका है एक्स हमारे पास आ चुका है थ्री एक्स की वैल्यू जैसे कि हमारे पास थ्री आ गई है तो हम क्या करेंगे इसी वैल्यू को पुट कर देंगे वाई की वैल्यू में यानी वाई की वैल्यू में एक्स माइनस टू था हम इसको क्या कर देंगे पुट कर देंगे वाई में तो चले हम स्टार्ट करते हैं सो so, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है वाई इज इक्वल टू वन सो इट्स मीन के वाई हमारे पास क्या आ चुका है वन आ चुका है तो so, चलें ये हमारे पास क्या आ चुकी है यानी एक्स एंड वाई एक्स एंड वाई किसकीवल आ चुका है थ्री एंड वन ठीक हो चुके चलें स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट हमारे पास है एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस टू वाई इज़ इक्वल टू एट हम इसको इक्वेशन दे वन का नाम दे देंगे टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोरटीन हम इसे इक्वेशन टू का नाम दे देंगे ठीक हो चुके अब हमने क्या करना है हमने अपनी इक्वेशन टू को ले लेने इक्वेशन टू को हम ले लेंगे तो यानी हमारे जो स्टेप्स है ना जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व किया हमारे जो स्टेप्स थे वही स्टेप्स क्या होंगे हमारे हर पार्ट्स में यानी क्वेश्चन नंबर टू के हर पार्ट में हमारे वही स्टेप्स रिपीट्स होंगे रिपीट होने का मतलब ये होगा कि हम इक्वेशन टू को लेंगे इक्वेशन टू में वाई की वैल्यू को निकालेंगे फिर हमारे पास जो वाई की वैल्यू आ जाएगी फिर हम उसी वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन वन में पुट कर देंगे वाई की वैल्यू को जब हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो पुट करने का मकसद क्या होगा एक्स की वैल्यू को निकालना जब एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोबारा हम उसको वाई की वैल्यू में पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू को तो हमारे पास वाई की वैल्यू आसानी से निकल आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशन टू को लेंगे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा इक्वेशन टू को लेना इक्वेशन टू हमारे पास है टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोरटीन हमने वाई को इधर ही छोड़ना है इट यानी थ्री वाई इधर ही रहेगा फोटीन ये जो प्लस टू एक्स है ये मूव होगा तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा यहाँ पर हमें वाई चाहिए तो हम क्या करेंगे वाई के साथ जो नंबर थ्री है वो क्या हो जाएगा इक्वल के इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा इट्स मीन कि हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है 14 2x 3. अब हम लोगों ने क्या करना है अब हमने इसको पुट कर देना है यानी वाई की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है हमने इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन वन में सो चलिए स्टार्ट करते हैं यानी हम पहले इक्वेशन टू को लेंगे फिर हम इक्वेशन वन को लेंगे ठीक हो चुका है अब इक्वेशन वन हमारे पास है एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एट वाई की जगह पर हम क्या राइट करेंगे वेरी गुड वाई की जगह पर हम वाई की वैल्यू को पुट करेंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से देखें हम इस तरीके से राइट करेंगे एक्स प्लस टू यहाँ पर देखें y की वैल्यू क्या है फोर्टीन माइनस टू एक्स थ्री इज इक्वल टू ए तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ पर देखें हमारे पास डिनोमीटर थ्री एट्स मीन हम इन सबको थ्री थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है जो क्या तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आ जाएगा थ्री एक्स थ्री मल्टीप्लाई बाई एक्स होगा अब यहाँ पर देखें थ्री मल्टीप्लाई बाई टू क्योंकि अभी तक हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया ठीक हो चुका है हमारा ये स्टेप उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुका होगा हमने थ्री को इसलिए मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास थ्री है हमने इसने डी है तो हमने इन सबको थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो यहां पर देखें ये हमारे पास कट हो जाएगा हमारे पास जो बच चुका है वो बच चुका है थ्री एक्स प्लस टू फोर्टीन ज़र जब टू को हम फोर्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी एट माइनस टू मल्टीप्लाई होगा टू एक्स के साथ तो आ जाएगा माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू एट थ्री जर एट थ्री जर हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी सॉरी ट्वेंटी फोर अब यहाँ पर देखें माइनस एक्स हम इनको थ्री एक्स माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी एट मूव होगा तो माइनस ट्वेंटी एट हो जाएगा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर दोनों तरफ क्या है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन एंड माइनस का साइन कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू फोर एक्स हमारे पास क्या आ चुका है एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है फोर प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है एक्स की वैल्यू आ चुकी है फोर अब हम इसी फोर को पुट करेंगे यहाँ पर यानी इस फोर को पुट करेंगे फोर्टीन माइनस टू एक्स बाय थ्री क्योंकि यहाँ पर देखें जब एक्स की वैल्यू पुट हो जाएगी तो वाई की वैल्यू आसानी से निकल आएगी सो चलिए हम इसको पुट कर लेते हैं तो यहाँ पर देखें so देखे, वाई हमारे, हमारे पास क्या आ चुका है वाई हमारे पास आ चुका है वाई इज़ इक्वल टू फोर्टीन माइनस टू एक्स बाय थ्री सो यहाँ पर देखें y की वैल्यू क्या है हमारे पास सॉरी x की वैल्यू हमारे पास है फ़ोर्टीन माइनस टू एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है x की वैल्यू आ चुकी है फोर सो so x की जगह पर हम फोर राइट करेंगे डिवाइडेड बाय थ्री अब यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू टू एट टू फोर जेर एट बाय थ्री तो यहाँ पर देखें y इज इक्वल टू एटीन फोर्टीन में से जब एट को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा फोर्टीन में से जब एट माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा सिक्स सिक्स बाय थ्री अभी यहाँ पर देखें इनकी कटिंग हो जाएगी थ्री वन जेर थ्री एंड थ्री की टेबल में थ्री टू ज़ेर सिक्स इट्स मीन के y y हमारे पास क्या आ जाएगा y इज़ इक्वल टू टू ठीक हो चुका है नेक्स्ट स्टेप अब हमारा क्या होगा यहाँ पर देखें ये हमारे पास सेवन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइनटीन इसको इक्वेशन वन कह देंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर इसको हम इक्वेशन टू कह देंगे अब हमने क्या करना है इक्वेशन टू को ले लेना है इक्वेशन टू हमारे पास क्या है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू फोर हम वाई को निकालेंगे यहाँ पर देखें माइनस वाई को छोड़ देंगे इधर फोर यहाँ पर देखें प्लस एक्स मूव होगा तो ये माइनस एक्स हो जाएगा सेम ये भी हमारे वही स्टेप होगा जिस तरीके से हम लोगों ने स्टेप किए थे क्वेश्चन नंबर वन में तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू फोर माइनस एक्स दोनों साइडों को माइनस वन के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या बच जाए सिर्फ और सिर्फ वाई बच जाए यहाँ पर देखें ये कट जाएगा हमारे पास आ जाएगा वाई इज इक्वल टू माइनस फोर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस एक्स हम क्या कर लेंगे हम इसको अरेंज कर देते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर सो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है वाई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एक्स माइनस फोर तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसको इक्वेशन थ्री ही दे देते हैं ना ठीक हो चुके ताकि हमें कन्फ्यूजन हो तो अब हम क्या करेंगे सब्सिट्यूट इक्वेशन वन हमारे पास जो y की वैल्यू आई है अब हम इसको इक्वेशन वन में पुट कर देंगे यहाँ पर देखिए पहले तो इक्वेशन वन को राइट कर लेते हैं सेवन एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू नाइन अभी यहाँ पर देखिए सेवन एक्स प्लस टू वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू नाइन टू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेवन एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट टू फोर जेर एट इज इक्वल टू नाइन अभी यहां पर देखिए सेवन एक्स प्लस टू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन एक्स इज इक्वल टू नाइन जो एट माइनस हो रहा था वो यहाँ पर आकर प्लस एट हो जाएगा यहाँ पर देखें नाइन एक्स एज एक टू एटीन नाइनटीन प्लस एट करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी सेवन हमें एक्स चाहिए सो एट्स मीन कि हम क्या करेंगे एक्स के साथ जो नाइन मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो रही है तो हम कटिंग कर लेंगे नाइन वन ज़र नाइन एंड नाइन के टेबल में नाइन थ्री ज़र ट्वेंटी सेवन एट्स मीन कि एक्स एक्स हमारे पास क्या आ चुका है एक्स इज़ इक्वल टू थ्री एक्स की वैल्यू आ चुकी है अब हम क्या कर लेते हैं अब हम इसको सब्सिट्यूट कर लेते हैं इक्वेशन थ्री के अंदर जिसको हमने यहाँ पर देखे हमने इक्वेशन थ्री मार्क इसलिए किया था, था क्योंकि हमें कन्फ्यूजन हो रही थी ठीक हो चुके तो चलिए हम इसको सब्सिट्यूट कर लेते हैं यहाँ पर जगह नहीं थी तो मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके दे देती हूँ इक्वेशन थ्री में हम पुट करेंगे जैसा कि हमें पता है कि वाई इज इक्वल टू वाई हमारे पास क्या था वाई इज इक्वल टू एक्स एक्स माइनस फोर सो वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है थ्री माइनस फोर करेंगे सो वाई इज इक्वल टू माइनस वन इट्स मीन कि हमारे पास वाई की वैल्यू आ चुकी है माइनस वन एंड एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है थ्री ठीक हो चुका है लास्ट पार्ट ऑफ का क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर टू का लास्ट पार्ट हमारे पास है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन हम इसको इक्वेशन वन दे देंगे नेक्स्ट हमारे पास है फाइव एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थ्री थर्टीन इसको हम इक्वेशन टू का नाम दे देंगे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है सब्सिट्यूट इक्वेशन वन सो हम सॉरी इक्वेशन इक्वेशन टू को हम लेते हैं तो चले हम अपनी इक्वेशन टू से स्टार्ट करते हैं सॉरी इक्वेशन टू इक्वेशन टू हमारे पास क्या है फाइव एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू थर्टीन हम क्या करेंगे फोर वाई को इधर छोड़ देंगे थर्टीन के साथ ये क्या हो जाएगा माइनस फाइव एक्स हो जाएगा सो so, अब हमें तो चाहिए y इट्स मीन कि हम क्या करेंगे थर्टीन माइनस फाइव एक्स के साथ ये फोर जो यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इट्स मीन कि y की वैल्यू हमारे पास इस टाइम पर हमने y की वैल्यू क्या निकाली है ये निकाली है इसको हम इक्वेशन थ्री का नाम दे देंगे ठीक हो चुके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अब हम क्या करेंगे अब हम इक्वेशन टू को ले चुके हैं इट्स मीन कब हमने इक्वेशन वन को लेना है इक्वेशन वन हमारे पास क्या है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन सो यहाँ पर देखें टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास थर्टीन माइनस फाइव बाई फोर तो हम यहाँ पर यही राइट करेंगे थर्टीन माइनस फाइव एक्स बाय फोर इज इक्वल टू थर्टीन यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है फोर है इट्स मीन हम इन सब को क्या करेंगे फोर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए नेक्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं फोर मल्टीप्लाई बाय टू एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई बाय थर्टीन माइनस फाइव एक्स बाय फोर इज इक्वल टू थर्टीन मल्टीप्लाई बाय फोर तो so, यहाँ पर देखिए फोर एंड फोर कट हो जाएगा बाकी कटिंग नहीं हो रही तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे टू फोर ज़र एट एक्स प्लस थर्टीन माइनस फाइव एक्स इज़ इक्वल टू थर्टीन फोर ज़र थर्टीन फोर ज़र हमारे पास आता है फिफ्टी टू तो चले यहाँ पर देखें हम x वालों को यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एट एक्स माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू फिफ्टी टू माइनस थर्टीन यहाँ से हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल फिफ्टी टू में से जब हम थर्टीन माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी नाइन अब हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो अब हम नेक्स्ट पेज से चले स्टार्ट करते हैं एक्स इज इक्वल टू जैसा कि हमारे पास क्या था थ्री एक्स इज़ इक्वल टू थर्टी नाइन इसी तरह का हमारा स्टेप था ना चलिए हम इसी स्टेप से स्टार्ट करते हैं हमें एक्स चाहिए तो एक्स के साथ क्या हो रहा है थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के इस तरफ आकर क्या हो जाएगा थ्री डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास कटिंग भी हो जाएगी थ्री वन ज़र थ्री एंड थ्री की टेबल में आता है थ्री थर्टीन ज़ार थर्टी नाइन थर्टी नाइन इट्स मीन कि हम क्या करेंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं थर्टीन सो हम यहाँ पर राइट करेंगे एक्स इज इक्वल टू थर्टीन अब हम इसी एक्स की वैल्यू को इक्वेशन थ्री में सब्सिट्यूट कर देंगे तो यहां पर राइट करेंगे वाई इज इक्वल टू जैसे कि इक्वेशन थ्री हमारे पास क्या थी वाई इज इक्वल टू थर्टीन माइनस फाइव एक्स बाय फोर सो so, हम यहाँ पर क्या करेंगे थर्टीन माइनस फाइव एक्स की वैल्यू आ चुकी है थर्टीन तो हम यहाँ पर थर्टीन राइट करेंगे डिवाइडेड बाय फोर थर्टीन माइनस फाइव को थर्टीन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थर्टीन सर हमारे पास आ जाएगा फाइव थर्टीन सर हमारे पास आ जाएगा सिक्सटी फाइव सो हम यहाँ पर राइट करेंगे सिक्सटी फाइव थर्टीन जब हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा थर्टीन माइनस होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा फिफ्टी टू माइनस फिफ्टी टू बाय फोर यहाँ पर हमारे पास कटिंग हो जाएगी देखें फोर वनजर फोर एंड फोर के टेबल में फिफ्टी टू आता है थर्टीन के साथ इट्स मीन के हमारे पास y की वैल्यू क्या आ चुकी है वाई की वैल्यू आ चुकी है माइनस थर्टीन इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर टू कम्प्लीट हो चुका है हाफिज़